Hey everybody, welcome back to Physics Penta. My name is Manisha. और गाइस आज की ये जो वीडियो है ना थंबनेल देख के थोड़ा आइडिया लगा होगा आपको. सो ये जो वीडियो है आज की ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर नहीं है. ये वीडियो बनाने की जो मेन वजह है वो आप सबके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पुट करे हुए हैं जिनके डाउट्स आपको हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हैं जो आप जानना चाहते थे. सो ये वीडियो के थ्रू मेरा एक छोटा सा ट्राई है कि जो वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँ मैं आपके और उन डाउट्स को दूर कर पाऊँ. और सबसे पहले तो सब दिल से थैंक यू जो मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, रेगुलर वीडियोज़ को देख रहे हैं. सीरियसली आपका एक लाइक भी ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इवन डिसलाइक भी करता है बट लाइक ज़्यादा मोटिवेट करता है. सो प्लीज़ चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि अगर ऐसे आप लोग सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे हो सकता है कि हमारे इस यूट्यूब की फैमिली से और भी बहुत सारे लोग जुड़ जाएँ, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है. सो जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करा कीजिए. जिस भी मोमेंट पे लगता है आपको कि हाँ ये वीडियो अच्छी है, लाइक डिजर्व करती है, तो प्लीज़ दिल खोल के लाइक करिए. इसका कोई टैक्स तो लगता नहीं है. और जो इतना ज़्यादा अभी तक आपने सपोर्ट किया उसके लिए तो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम टाइम में इतने सब्सक्राइबर्स और इतना अच्छा मैं चैनल को रन कर पाऊँगी. बट आप सबका साथ अगर ऐसे ही रहा तो हो सकता है ये चैनल एक दिन बहुत अच्छे से रन मैं कर पाऊँ. तो प्लीज़ जब भी आपको लगता है कि हाँ वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इस मोमेंट पे शेयर कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी. अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, देखिए, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, या रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है. इन शॉर्ट एक रेस्पिरेटरी वर्ड है, इसके बारे में डिटेल में मैं बता देती हूँ आज. तो रेस्पिरेशन, हम जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, इन शॉर्ट सांस लेना और बाहर छोड़ने का एक छोटा सा प्रोसेस होता है. कहने में छोटा है लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स टिश्यूज इंक्लूड होते हैं जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में मूव करवाने में हेल्पफुल होते हैं. अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें टिश्यूज एंड ऑर्गन्स के अलावा जो हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, इसके अलावा कुछ मसल्स होती हैं और कुछ ऐसे और भी कंपोनेंट्स हैं, लाइक एयरवेज हैं, लंग्स हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और ब्लड वेसल्स, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं. इसके अलावा कुछ मसल्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसमें चेस्ट वॉल है, सबसे पहले चेस्ट वॉल, इसके अंदर जो होते हैं लाइक डायाफ्राम, ठीक है, इंटरकोस्टल और रिब केज, इसके अलावा अबडोमिनल कॉस्ट्रल्स, ये कुछ ऐसे मसल्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जो ये ऑर्गन्स मैंने अभी आपको बोले, इनका वर्क क्या होता है कि ये सब साथ में मिलके वर्क करते हैं और जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी के अंदर, जो ऑक्सीजन जाती है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना या पूरी बॉडी में उसका मूवमेंट करवाना. उसके अलावा कुछ अनवांटेड गैसेज होती हैं या कुछ वेस्ट गैसेज होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है. As you all know कि जो ऑक्सीजन है हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं, तो कुछ ऐसी जो वेस्ट गैसेज होती हैं उनको हमारी बॉडी से क्लीन आउट करने का जो प्रोसेस है वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही आता है, ठीक है. अब सांस लेना और सांस छोड़ना, इसके अलावा भी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कुछ और फंक्शंस भी इंक्लूड करते हैं, लाइक गैस एक्सचेंज करना या फिर एसिड बेस का बैलेंस, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है. अब ये जो वीडियो है इसमें मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जस्ट एक क्वेश्चन है और एक पॉइंट है उसको क्लियर करने का ट्राई है मेरा. अगर आपको बहुत डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, तो मैं उसमें आपको डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी. अब इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा है वो है सेल, वॉट इज सेल, सेल क्या होता है, ठीक है. सो ऑब्वियसली साइंस से रिलेटेड चैनल है, तो यहाँ पे जो रिमोट में या फिर बैटरी में सेल डलता है उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है ह्यूमंस में एनिमल सेल्स, प्लांट सेल और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है. सेल्स को हिंदी में कोशिका कहते हैं, ठीक है. सो जो सेल है बहुत ही स्मॉलेस्ट का मतलब यू कैन से कि बहुत सारी सेल्स ऐसी होती है, मोस्ट ऑफ द सेल्स इवन,
कि जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ये हमारे सेंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और ये हमारी बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं लाइफ का। मतलब कि जो लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस, ठीक है, मेनली हम इन थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो ये जो लिविंग बींग्स हैं, इनकी सेल जो हैं वो इनकी फंक्शनल प्लस बायोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट और इम्पॉर्टेंट यूनिट है सेल, ठीक है। इसके अलावा जो सेल्स हैं वो बहुत सारी शेप्स में हो सकती हैं, बहुत सारी कलर्स में, शेप्स में, लाइक राउंड शेप हो सकती है, क्यूब शेप हो सकती है, इवन शेपलेस भी होती हैं बहुत सारी सेल्स, और इनका कोई कलर भी नहीं होता फिक्स, कुछ का हो सकता है, कलरलेस भी होती हैं और कलर वाली भी होती हैं ये। अब इसके अलावा जो सेल्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रेप्लिकेट कर सकती हैं इंडिपेंडेंटली, मीन्स कि जो सेल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट अपने जैसी और बहुत सारी इमेजेस बना सकती हैं। मे बी आप सबको पता होगा कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बिलियंस ऑफ सेल्स पर सेकेंड ब्रेक होती हैं और ऑटोमेटिकली बनती हैं, जिस प्रोसेस का हमें बाहर से आइडिया भी नहीं लगता, इवन हमें पता भी नहीं चलता कि हर एक सेकेंड हमारी बॉडी में कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं, कितने अंदर कितने सारे केमिकली चेंजेस हो रहे हैं और कितने सारे ऑर्गन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। सो बायो जो सब्जेक्ट है ना वो इन्हीं सब के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पूछे थे आप लोगों ने। इसके अलावा जैसे कि खाना जब हम खाते हैं तो उस टाइम पे कौन सा जो फूड डाइजेस्ट होता है ह्यूमन बॉडी में, तो कौन सा प्रोसेस है या फिर डाइजेशन सिस्टम क्या है और इसके क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए और इनके बारे में जानने में थोड़ा भी इंटरेस्टेड है तो आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। और तब तक जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक आप प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करिए, और अगर अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मेरा पेज फॉलो